आज हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए वैसे एम सी क्यू क्वेश्चन जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बेस्ड हैं जो आई एस सी और आई कॉम में पूछे गए हैं उन्हें देखेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दो हज़ार बीस में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मैकबेथ एंड जूलियस सीजर किन के द्वारा लिखी गई है तो मैकबेथ एंड जूलियस सीजर जो है यह दोनों ड्रामा हैं और यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं इसके अलावा यह चैप्टर तीन से लिया गया है और द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा जिसमें विलियम शेक्सपियर के कुछ ड्रामा जिसमें मैकबिट एंड जूलियस सीजर इसके अलावा आप हेमलेट भी याद कर लेंगे ओके हैमलेट एच ए एम एल ई -e टी ओथेलो थेलो ओके ओथेलो थेलो और थेलो के अलावा किंग लियर यह तीन नाम और याद कर लें आप यह भी ड्रामा जो है यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है सेकेंड क्वेश्चन द ग्रेट वॉवल शिफ्ट टूक प्लेस ड्यूरिंग यह चैप्टर फोर मिडिल इंग्लिश से लिया गया है जिसमें प्रिंटिंग प्रेस जो है वह भी सेटअप हुआ जो 1476 हंड्रेड सेवेंटी सिक्स में सेटअप हुआ और यह विलियम कैक्सटन uh, के द्वारा सेटअप हुआ और इसी पीरियड में जो है ग्रेट वॉवल शिफ्ट हुआ तो ये इसका सही आंसर क्या होगा मिडिल इंग्लिश होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन इंग्लिश यूज फ्रॉम द फिफ्टीन सेंचुरी इज कॉल्ड यह चैप्टर टू इंग्लिश डाउन द एज से लिया गया है जिसमें आप हेडिंग देखेंगे पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जिसमें इंग्लिश को तीन पीरियड में बांटा गया है ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश ओके तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है 449 से 1066 थाउजेंड तक है जबकि मिडिल पीरियड जो है यह अलेवन फिफ्टी से 1500 तक है और मॉडर्न इंग्लिश जो है वह 1500 से यह ऑनवर्ड है तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा ओके मॉडर्न इंग्लिश फोर्थ नंबर क्वेश्चन स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज यह फोर्थ नंबर क्वेश्चन चैप्टर सेवन ग्लोबल इंग्लिश से लिया गया है जिसमें स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को हम आरपी कहते हैं आरपी का अर्थ होता है रिसिव्ड प्रोनाउंसिएशन तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सावित्री इज रिटन बाय यह चैप्टर नाइन द स्टोरी ऑफ पोएट्री से लिया गया है सावित्री जो एक पोएम है जो औरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई है ओके इसके अलावा जो है इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट uh, ने, नेम आप याद कर लें जिसमें गीतांजलि द गीतांजलि जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है ओके और विलेज सॉन्ग सॉन्ग्स ऑफ राधा और असूल प्रिय यह सुरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया और सुरोजनी नायडू को जो है नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज इज यह पहला ही चैप्टर से है इंग्लिश लैंग्वेज जो है काफ़ी नई लैंग्वेज है काफ़ी यंगर लैंग्वेज है तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा सेवन नंबर क्वेश्चन द वेस्ट लैंड इज रिटेन बाई यह वेस्ट लैंड जो है यह एक पोएम है और यह टी एस इलियट के द्वारा लिखी गई है और यह आपके रैनबो पार्ट टू में भी मैकविटी द मिस्ट्री कैट में यह मिल जाएगी और इसके अलावा जो है स्टोरी ऑफ पोएट्री में मिल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन यह 2019 के क्वेश्चन है न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश हैव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड इसके लिए जो है आप चैप्टर सेवन ग्लोबल इंग्लिश पेज नंबर ट्वेंटी फोर पर जाएंगे वहाँ पे बताया गया है कि जो दो सबसे मेन जो प्रभाव थे इंग्लिश के वर्ल्डवाइड स्प्रेड होने में फैलने में जिसमें एक था जिसे हम नेशनल वैरायटी ऑफ इंग्लिश कहते हैं जिसमें आपके अमेरिकन इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और कैनेडियन इंग्लिश थे और दूसरा जो था वो न्यू इंग्लिश था और न्यू इंग्लिश ही न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश है ओके जिसमें जो है या वैसे कंट्री में डेवलप हुई जहां यह जो है मदर टंग की तरह नहीं था जैसे इंडियन इंग्लिश नाइजीरियन इंग्लिश ओके तो आंसर इसका ऑप्शन बी होगा द वो ड्रामा कम्स फ्रॉम अ वर्ड यह जो है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा से लिया गया है जिसमें ग्रीक वर्ड से जो है ड्रामा जिसका अर्थ होता है थिंग डन नेक्स्ट क्वेश्चन द स्कॉलर जिप्सी इज रिटेन बाई यह भी पोइट्री सेक्शन से लिया गया है और द स्कॉलर जिप्सी जो है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई पोएम है डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल ये नॉवेल वाले चैप्टर से लिया गया जो लास्ट चैप्टर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से तो रिचार्डसन को जो है फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कहा जाता है जिन्होंने पामेला आपके बुक में पामेला ही नाम दिया हुआ है पामेला लिखी है ओके तो यह जो कुछ क्वेश्चंस जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा रहे हैं यह थे अगर आपको कहीं प्रॉब्लम्स है तो आप जो है जरूर कमेंट करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो